हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा गैलेक्सी अगेन। माय नेम इज जागृति। तो हम देख रहे थे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के कुछ क्वेश्चंस पेपर, जो कि सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जैसे कि अभी आने वाली DMER गवर्नमेंट फार्मासिस्ट फॉर महाराष्ट्र, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ZP फार्मासिस्ट हो गया, गरेलवे फार्मासिस्ट, सभी के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ द नॉर्मल सलाइन। आपको पता है सलाइन सोल्यूशन रहता है, उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड होता है, तो उसमें सलाइन सोल्यूशन में कितना प्रतिशत सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज 2 ग्राम, ऑप्शन बी इज 5 ग्राम, ऑप्शन सी इज 6 ग्राम, ऑप्शन डी इज 9 ग्राम। तो आपको पता है 9 ग्राम ऑफ सॉल्ट विच आर प्रेजेंट इन दी नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है 9 ग्राम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ दी वर्टिब्रा इन दी सैक्रम, मतलब सैक्रम में कितना नंबर ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन इज दी 5, सेकेंड इज 3, थर्ड इज 4 एंड डी ऑप्शन है 1। तो देखो, नंबर ऑफ दी वर्टेब्रा इन दी सैक्रम इज 5, 5 सैक्रम में वर्टेब्रा प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ दी क्रोमोजोम इन दी सेल। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन है, 12 में भी हमने किया है। नंबर ऑफ दी क्रोमोजोम, तो इसमें नंबर पूछा गया है, नॉट अ पेयर। 23 बिल्कुल भी आंसर नहीं है, 46 आंसर है। पेयर में पूछा होगा तो 23 होगा, दो दो की पेयर। और हमने क्या पूछा है, इधर नंबर ऑफ दी क्रोमोजोम पूछा गया है, वो भी किसमें, सेल्स में। तो 46 दी इज दी करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है 23 पेयर ऑफ दी क्रोमोजोम रहते हैं, और टोटल 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं सेल में, ठीक है? उसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज दी ऑटोजोम्स। आपको पता ही हो ऑटोजोम्स, और 1 इज दी सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है? तो याद रख लेना आप कि 22 पेयर ऑफ दी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज ऑटोजोम, ऑटोजोम 22 रहते हैं, 1 इज 1 पेयर ऑफ इज सेक्स क्रोमोजोम। सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, आपको याद करना है, दिमाग को ज़्यादा जोर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, और ट्रायल स्पेक सेप्टल डिफेक्ट ऑकर ड्यू टू दी परसिस्टेंस ऑफ, ठीक है? तो फॉर्मेन ऑल डक्टस अर्टरीज, डक्टस वेन्यूस एंड मिट्रल वॉल्व। तो करेक्ट आंसर इज फॉर्मेन ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कौन सा विटामिन है वाटर सोल्यूबल रहता है? आपने पहले भी, हमने पहले क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, उसमें देखा है विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, शेड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको विटामिन और शेड्यूल्स अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है? तो इसमें पूछा गया है वाटर सोल्यूबल विटामिन, बेसिक पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा रहता है, बी एंड सी। उसमें सी इज़ दी वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमारे विटामिन सी की डिफिशियंसी क्या होता है, स्कर्वी होता है, जैसे कि विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट में आता है, याद रखना है। B1 में B1, B2, B3, B4, B5, B6, पेंटाथोनिक, बायोटिन, सारे विटामिन इसमें आते हैं। BC में वाटर सोल्यूबल विटामिन, और बाकी कौन सी विटामिन से रहते हैं, तो बाकी विटामिन रहते हैं ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये जो विटामिन है वो कैसे रहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकनिंग मीन्स, क्विकनिंग का मीनिंग पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है द मूवमेंट ऑफ द फेटस इन द यूटेरस फेल्ड बाय द मदर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ें आपको कुछ मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं किस वर्ड के, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिंकिंग ऑफ द एल्कोहल वाइल सेवियरली इफेक्ट द, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? तो ऑप्शन है किडनी, ब्रेन, स्टमक और लीवर। तो आप सभी को पता है जो ड्रिंक करते हैं उनका लीवर डैमेज होता है, तो राइट आंसर इज लीवर, ठीक है? बाद में स्टमक, बाद में सभी डैमेज होता है, पर फर्स्टली क्या होता है, लीवर डैमेज होता है।
एट क्वेश्चन, द डिजीज इन विच पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली, मतलब ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है. तो राइट ऑप्शन इज द हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोफीलिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है. ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब अनस्टॉपेबल ब्लड फ्लो होता रहता है. इस वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता. तो बाकी क्या है, सिकल सेल एनीमिया. बाकी के ऑप्शन देखते हैं. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी, जो हमारा आरबीसी है वो क्या कर होता है, ब्रेकडाउन होता है. आरबीसी का ब्रेकडाउन होने से हमको सिकल सेल एनीमिया होता है. और ऑब्वियसली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉज बाय द म्यूटेशन इन दी बीटा ग्लोबिन जीन्स. बीटा ग्लोबिन जीन्स की वजह से म्यूटेशन होता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेबीज. तो रेबीज किस चीज़ से होता है, आपको सबको पता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स रहते हैं वो पीपल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि उनकी सलाइवा आती है, फॉर एग्जांपल डॉग्स ले लिया, तो ये जो वो अफेक्टेड डॉग्स रहते हैं उनकी वजह से हमको क्या होता है, रेबीज होता है. और नेक्स्ट है डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन दैट टू मच शुगर इन दी ब्लड, मतलब हमारा जो ब्लड रहता है उसमें हाई लेवल ऑफ शुगर होता है, शुगर प्रेजेंट हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, डायबिटीज जैसे रोग होते हैं. उसमें भी आपको याद रखना है टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़. तो ये डायबिटीज़ के कुछ टाइप्स है, वो भी याद रख लेना. और इम्पॉर्टेंट हमने क्या देख लिया, इसमें कौन सी डिजीज़ है, किस चीज़ से कॉज हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है. नंबर 9, डिसकलरेशन ऑफ द टीथ इज कॉज बाय विच काइंड ऑफ द एंटीबायोटिक्स कॉल्ड, मतलब हम कौन सा ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से डिसकलरेशन ऑफ द टीथ कॉज हो जाता है. ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड है नियोमाइसिन, थर्ड है टेट्रासाइक्लिन और फोर्थ है पेनिसिलिन. तो आप सभी को पता है टेट्रासाइक्लिन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बाकी के आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन करना है, जैसे कि आपको पता है ग्रे बेबी सिंड्रोम. ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किस चीज़ से होता है, क्लोरामफेनिकॉल से होता है. तो नेक्स्ट है हमारा स्टेवेन जोहान सिंड्रोम. फॉर एग्जांपल स्टेवेन जोहान सिंड्रोम किससे होता है, सल्फोनिलामाइड से, सल्फोनिलामाइड SS, स्टेवेन जोहान और सल्फोनिलामाइड, ये एक डिसऑर्डर हो गया. बाद में है हैंड एंड फुट सिंड्रोम. तो हैंड एंड फुट सिंड्रोम किससे होता है, 5-फ्लोरोयूरासिल. ठीक है, 5-फ्लोरोयूरासिल से फुट एंड हैंड सिंड्रोम होता है. बाद में होता है रेड मैन सिंड्रोम. ठीक है, तो रेड मैन सिंड्रोम किससे होता है, तो करेक्ट आंसर इज वैंकोमाइसिन, रेड मैन सिंड्रोम. ठीक है, तो रेड मैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन से होता है. नेक्स्ट है जेरिस हेक्समियर रिएक्शन, जो कि पेनिसिलिन से होता है. पेनिसिलिन से जेरिस हेक्समियर रिएक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है कर्निकटेरस एंड क्रिस्टल यूरिया, मतलब कर्निकटेरस, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम में ही दिख रहा है कर्निकटेरस पूछा जाता है. और क्या, क्रिस्टल यूरिया किससे होता है, सल्फोनामाइड से होता है. क्या होता है, कर्निकटेरस. और डिसकलरेशन ऑफ द टीथ किससे होता है, हमने देख लिया टेट्रासाइक्लिन से. रेज सिंड्रोम बहुत बार पूछा जाता है, रेज सिंड्रोम एस्पिरिन कॉज बाय रेज सिंड्रोम. नेक्स्ट है और ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किससे, वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट भी है, पर उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज होता है. तो ये बहुत सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, आपको अच्छे से याद रखना है. तो हम ऑप्शन देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या कॉज होता है, नर्व डैमेज होता है और हियरिंग लॉस होता है. नेक्स्ट है नियोमाइसिन से क्या होता है, मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, जैसे कि यूरिनेशन डिक्रीज होता है, डायरिया होता है और समटाइम्स हियरिंग की डिफिशेंसी होती है, सुनाई देना कम होता है. और पेनिसिलिन देख लिया हमने, तो सारे सिंड्रोम्स हमने देख लिए, वो आप अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट है डैश डैश इज कॉज्ड बाय द फंगस. ठीक है, तो मलेरिया,
बिल्कुल नहीं। मलेरिया क्या होता है? एक इन्फेक्टिव फीमेल मॉस्किटो रहता है। फीमेल मॉस्किटो कौन सा रहता है ये भी पूछा जाता है। एनाफिलिस मॉस्किटो रहता है फीमेल, वो क्या करता है बाइट करता है पर्सन को और वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। एथलेट फुट, यस एथलेट फुट इज़ राइट ऑप्शन, कॉज्ड बाय दी फंगस। फिलेरेसिस, फिलेरेसिस आप सभी को पता है माइक्रोस्कोपिस थ्रेट लाइक वर्म्स होते हैं, वो वर्म्स थ्रू होता है, और टाइफाइस फीवर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। टाइफाइस फीवर किससे होता है? रिकेट्सिया पुरोवाजी की। तो किससे कॉज होता है बहुत क्वेश्चन पूछे रहे, तो आप याद रख लेना ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलेरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, फिलेरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन इज द एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो। नहीं, एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है। एनाफिलस मेल मॉस्किटो, ऐसे तो मॉस्किटो से कुछ होता ही नहीं है। क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो और क्यूलेक्स मेल मॉस्किटो, ठीक है, तो 11th का राइट आंसर है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो से फिलेरेसिस का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज। देखो नो एंटीबॉडीज पूछा गया है, नॉट अ एंटीजन। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि एंटीबॉडी और एंटीजन में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीजन, तो हमारा आंसर क्या आता? विच हैव नो एंटीजन, तो करेक्ट आंसर हमारा आता ओ पॉजिटिव ग्रुप। पर यहाँ पर पूछा गया है नो एंटीबॉडी, मतलब जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है बट नॉट प्रेजेंट एंटीबॉडी, दिस करेक्ट आंसर इज ए बी पॉजिटिव ग्रुप। और ओ पॉजिटिव क्या रहता है? ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विच हैज़ द एंटीजन बोथ, एंटीजन रहता है ए और बी रहता है पर एंटीबॉडी नहीं रहती। ठीक है, और ए बी में एंटीबॉडीज रहती है पर एंटीजन नहीं रहते, तो आप देख लेना अच्छे से। बाकी तो ब्लड ग्रुप आपको सबको पता ही है, डोनर कौन सा है वगैरह वगैरह, तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। द डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने से कौन सा डिजीज़ स्प्रेड होता है मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करने से, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ लेप्रोसी, ऑप्शन थर्ड सेकेंड इज़ एड्स, ऑप्शन सी ईचेस एंड स्कैबीज। तो आपको पता है लेप्रोसी को क्या कहते हैं हम? हैंसन डिजीज, जो कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से होता है, तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। तो पूछा गया है सेक्सुअल, सेक्सुअल से क्या होता है? एड्स डिजीज़ होता है, HIV होता है, तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बस थोड़ा फोकस रख के आंसर को याद करना है। नेक्स्ट इज दी 13 क्वेश्चन द डिजीज दैट, हो गया 14 क्वेश्चन, टाइफाइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जो टाइफाइड डिजीज रहता है हमारा, टाइफोइड डिजीज रहता है वही, जो किससे ट्रांसमिट होता है? वाटर एंड फूड, एयर, टच एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो करेक्ट आंसर इज वाटर एंड फूड से क्या होता है? वो ट्रांसमिटेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन इज अ एग्जाम्पल फॉर द डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज नीचे है ऑप्शन में, नॉट अ वायरस से होने वाला। ठीक है, तो कोल्ड, कोल्ड क्या होता है? वायरस से होता है। टाइफाइस फीवर भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, पर टाइफाइड इज अ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो करेक्ट आंसर इज टाइफाइड। इज अ इम्यूनिटी गेट बाय बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इम्यूनिटी बॉडी में आफ्टर फर्स्ट अटैक ऑफ द डिजीज में तैयार होता है? एक्वायर इम्यूनिटी इसे कहते हैं, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी क्या रहता है? जो हमको बर्थ से ही मिलता है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड। पैसिव इम्यूनिटी नहीं, एक्वायर इम्यूनिटी, मतलब बाहर से हम वैक्सीन ले लेके हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं, उसको कहते हैं एक्वायर इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज आर, ऐसी कौन सी सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए? तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो राइट आंसर इज WBC। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन, अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड
डैश डैश और डैश डैश टाइम्स ऑफ ईयर, मतलब एक हेल्दी पर्सन है जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो ईयर में कितनी बार वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज 6 or 7, 5 or 6, 3 या 4 times या 2 या 3 times। सो हेल्दी पर्सन रहते हैं वो 3 या 4 times तक क्या करते हैं, ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जिसको अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।